गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, दिस इज आरके शर्मा फ्रॉम रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़। वेलकम टू दिस ऑनलाइन स्टडी सेशन। हियर टुडे आई एम गोइंग to teach your Hindi textbook of class 4. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक अपनी textbook से पाठ 1, 2, 3, 4 और 5 कुल मिलाकर पांचवें पाठ तक अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लिया है। पर इन्हीं पाठ्यक्रमों के बीच कुछ एक ऐसे किस्से और कुछ कविताएं हमारे इस टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो बीच बीच में कुछ अतिरिक्त रूप से कहानियां और कविताएं दी गई हैं, ये आपके ज्ञानवर्धन में बहुत ही मददगार साबित होंगी तथा ये आपको हिंदी पढ़ने और समझने में सहायक भी साबित होंगी। अतः आज इसी सिलसिले में मैं उलझन, जिसका टॉपिक है उलझन, वो मैं आपके सामने आज शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, कुछ उसके डिटेल्स भी एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसका शीर्षक है 3 सुख, उस शीर्षक वाली एक छोटी सी कथा को भी हम लोग यहां शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों, आपको ये ऑनलाइन क्लास बहुत पसंद आएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी इस उलझन नामक कविता की। शीर्षक लिखते हुए, तो प्यारे बच्चों, आज हम इस उलझन नामक कविता का पाठ करेंगे। तो कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। पहले मैं इस कविता का एक छोटा सा सारांश बताना चाहूंगा आपको। इस कविता में कवि सुरेंद्र विक्रम जी ने, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है कविता के कवि का नाम है सुरेंद्र विक्रम। तो इस कविता के जो कवि हैं सुरेंद्र विक्रम जी, इन्होंने इस उलझन नामक कविता में एक बच्चे की, एक छोटे बच्चे की मनोदशा को व्यक्त किया। इस मनोदशा से ज्यादातर बच्चे गुजरते हैं अपने अध्ययन काल के दौरान। मतलब जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूलों में, तो उस दौरान ज्यादातर बच्चों को इस प्रकार की मनोदशा से गुजरना पड़ता है। तो यहां कवि ने
एक बच्चे की मनोदशा को व्यक्त करने की कोशिश की है और उसका मानना भी है कि ऐसी मनोदशा ज्यादातर बच्चों के सामने पेश आती है। तो बच्चों, मैं इस कविता की शुरुआत करता हूं पहली पंक्तियों से। जैसा कि पहली पंक्ति में कहता है कवि, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। ये हमारी कविता के पहले दो लाइन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो इस प्रकार इन कुछ पंक्तियों में कवि श्री सुरेंद्र मिश्रा जी ने एक बच्चे की मनोदशा को व्यक्त किया है कि कैसे उस बच्चे के माता पिता, रिश्तेदार आदि अपनी अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अपनी इच्छाओं को उस बच्चे की इच्छाओं पर लादने का प्रयास करते हैं। ये जो नाते रिश्तेदार हैं, उनके मम्मी पापा हैं, ये अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उस बच्चे को आगे भविष्य में देखना चाहते हैं। तो इनकी पंक्तियों को मैं एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में लेता हूँ। शुरू की पंक्तियां हैं, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। यहाँ पापा जी कहते हैं बच्चे के कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बन जाओ। पापा जी की इच्छा है कि बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने। पापा मतलब समझते हैं बेटे, बच्चों आप लोग, का मतलब पिताजी, हमारे जन्म देने वाले पिताजी। पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, लेकिन माँ कहती है इंजीनियर। यहां माँ का कहना है कि मेरा बच्चा आगे चलकर एक ही परिवार में, पिताजी कहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बने, वही उसी परिवार की माँ कहती है कि नहीं, मेरा बच्चा आगे चलकर इंजीनियर बने। इसके बाद हम आते हैं अगली लाइन पर, अगली पंक्तियों पर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। अब उस परिवार में भैया भी हैं, मान लीजिए उस बच्चे के छोटे बड़े कोई भाई भी हैं, तो उनके भाई, बड़े भैया, छोटे भैया कहते हैं कि क्यों ना तुम कंप्यूटर सीख लो। तो भैया जी का यहां कहना है कि आप कंप्यूटर क्यों नहीं सीख लेते। आज के जमाने में कंप्यूटर का बड़ा नाम है, उसका बड़ा उपयोग है और उसमें काफी अच्छी हमारी तरक्की है। इसलिए भैया का कहना है कि बच्चे, छोटे बच्चे, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं सीख लेते, ये आज के समय बड़ा काम का है। तो इस तरह भैया की इच्छा कंप्यूटर सीखने को लेकर है। अब हम इस कविता की अगली और पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। अब यहां उस परिवार में चाचा और चाची भी हो सकते हैं, तो यहां
परिवार की जो चाची हैं उनका कहना है, सबसे पहले हम चाचा को लेते हैं उसके बाद चाची को लेते हैं। तो चाचा जी का कहना है कि तुम बड़े होकर क्या बनना, प्रोफेसर। चाचा जी की इच्छा है कि बच्चा बड़ा होकर प्रोफेसर बने। तो यहां हम देखते हैं कैसे अलग अलग रिश्तेदारों और नातेदारों का अपना अपना आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं उस छोटे बच्चे को लेकर। तो चाचा जी बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। प्रोफेसर समझते हैं बच्चों, प्रोफेसर मीन जो स्कूलों में, संस्थाओं में, कॉलेज में जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसे टीचर होते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार के टीचर ही होते हैं, पर ये थोड़ा बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो उनके पद नाम चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ चाचा जी का कहना है कि तुम बड़े होकर प्रोफेसर बनो। वही चाची का कहना है, वही चाची का कहना है कि तुम अफसर बनो। चाची कहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई कर कोई अच्छा बड़ा अफसर बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ। ऐसी इच्छा यहाँ चाची की है। यहाँ चाची की इच्छा है कि हमारा बालक अफसर बने। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि उस बच्चे के जो भी रिश्तेदार हैं, सभी के सभी अपनी अपनी इच्छाओं को उस बच्चे की इच्छा पर लादना चाहते हैं, या फिर ये बड़े, ये सारे रिश्तेदार अपनी इच्छाओं को बच्चे के प्रति पूरा करना चाहते हैं। अब इस कविता की हम अगली पंक्तियों में जाते हैं। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। अब उस परिवार में जो दीदी हैं, जैसे भैया थे उसी तरह दीदी भी हैं, तो दीदी कहती हैं कि आगे चलकर तुम्हें कलेक्टर बनना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो परिवार की दीदी है उनका है मानना कि बालक आगे चल के कलेक्टर बने। बच्चों कलेक्टर आप समझते हो, कलेक्टर होता है एक बहुत बड़ा अधिकारी जो पूरे जिले को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, उसकी देखरेख करता है, उसका पूरा मैनेजमेंट को हैंडल करता है। तो कलेक्टर जिले का एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है। तो यहाँ दीदी का जो कहना है, उनकी इच्छा है कि ये बालक बड़ा होकर कलेक्टर बने और सबका नाम रोशन करे। इसके बाद हमारे परिवार के कुछ बुजुर्ग लोगों की भी बारी आती है। जैसे इस कविता के अगली पंक्तियों में कहा गया है, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाई। यहाँ जो परिवार के बाबा हैं या दादा हैं या नाना हैं, इस प्रकार के जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि बच्चे तुम फौज में जाओ, सेना में जाओ, मिलिट्री में जाओ और देश की सीमाओं पर पहरेदारी करके दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करो। तो यहाँ परिवार के जो दादाजी या बुजुर्ग हैं, बाबा जी हैं, उनका कहना है कि बच्चे तुम बड़े होकर फौज में जाओ और सारे जग में नाम कमाओ। उनका मानना है कि अगर वो फौज में जाएगा, अपने देश के लिए लड़ेगा दुश्मनों से, और अगर बलिदान भी देना पड़ जाए तो इसके बावजूद भी जग में उसका बहुत नाम होगा, नाम चारों ओर रोशन हो जाएगा। इसीलिए परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, उनका मानना है कि अगर बच्चा फौज में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, इससे वो पूरे जग में नाम रोशन करेगा। इसके बाद
आप देख रहे हैं बाबा फौज में जाने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद आता है दादी, परिवार की एक दूसरी बुजुर्ग महिला जिसको हम दादी नानी या अलग अलग नामों से जानते हैं। तो दादी कहती हैं कि घर में रहकर, दादी का कहना है, दादी कहती घर में रहकर अपना ही उद्योग लगाओ। अब दादी का कहना है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में ही रहिए और घर में ही रहकर अपना खुद का एक कोई उद्योग लगाइए। तो यहां हम लिखते हैं दादी, यहां दादी का कहना है कि बच्चा कहीं नहीं जाए, बस घर में ही रहे और घर में ही रहकर उद्योग लगाए। उद्योग समझते हैं बच्चों, उद्योग का मतलब होता है एक प्रकार का बिजनेस या अपना खुद का कोई रोजगार, खुद का कोई काम। जैसे कोई खुद का एक छोटा सा फैक्ट्री लगा लेता है, एक कारखाना लगा लेता है जहां वो अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो यहां दादी का कहना है कि कहीं मत जाइए और घर में रहकर ही कोई ना कोई अपना खुद का काम धंधा स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए, उद्योग लगाइए और अपना जीवन यापन करिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं उसी परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य बाबा है, जो दादा है, जो नाना है, जो वो चाहते हैं कि बच्चा फौज में जाए, लेकिन उसी परिवार के जो दादी है वो कहती है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बच्चा घर में ही रहकर अपना खुद का एक उद्योग लगा सकता है, कोई ना कोई धंधा कर सकता है और इस प्रकार अपना जीवन यापन अच्छे से निभा सकता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कैसे एक ही परिवार के भिन्न भिन्न सदस्य गणों की अपनी अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं जो वो उस बच्चे के प्रति व्यक्त करते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कविताओं की अभी तक की इन पंक्तियों में, इन लाइनों में सारे रिश्तेदार अलग अलग इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी इच्छा इस बालक के द्वारा, इस छोटे बच्चे के द्वारा पूरी हो जाए। अब इसके बाद जो कवि है यहाँ डायरेक्ट सीधे बालक की मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं उसके शब्दों में कि बालक क्या सोचता है जब ये सारे रिश्तेदार अपनी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं व्यक्त करते हैं। तो उसके बाद इन आकांक्षाओं को सुनने के बाद बालक के मन में कैसे विचार आते हैं, बालक क्या सोचता है, इस बारे में यहाँ आखिरी की चार पंक्तियों में बताया गया है। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। अब यहाँ बालक कह रहा है या आप मान सकते हैं कवि कह रहा है, सबका अपना नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो आप देख रहे हैं इस कविता के अंतिम चार पंक्तियों में बालक की मनोदशा व्यक्त की गई कि बालक क्या चाहता है। तो बालक कहता है, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, सबको सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो अंतिम चार लाइनों में हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो बालक है वो कह रहा है कि हमारे सारे परिवार के सदस्यों की अपनी अपनी अलग अलग अभिलाषा है, हर परिवार अपने अनुसार मुझे ढालना चाहता है। लेकिन आखिरी दो लाइन में कहता है कि मेरे मन की जो उलझन है, बालक कहता है या बालिका कहती है, कोई भी है, यहाँ बालक जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ ये सिर्फ मेल के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ बालक शब्द से अर्थ है चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बालक हो या बालिका हो, ये सभी के लिए है। तो
बस एक सिंबल की तरह हमने बालक शब्द यूज कर लिया है। कहने का मतलब घर में बालक हो या बालिका हो, दोनों में से कोई भी हो, सभी के साथ इस तरीके की परिस्थिति पेश आती है जिसमें जो अन्य सदस्यगण होते हैं परिवार के, वो अपनी अपनी इच्छाओं को बालक के थ्रू पूरा करवाना चाहते हैं। तो यहाँ आखिरी दो लाइनों में बच्चा कहता है कि मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या इच्छा रखता हूँ, मेरी क्या अभिलाषा है, ये कोई नहीं समझ पाता। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं आगे चलकर क्या बनना चाहता हूँ, मुझे किस काम में इंटरेस्ट है, रुचि है, ये बात कोई समझ नहीं पाता। तो यहाँ बालक अंतिम शब्दों में अपनी एक कह सकते हैं थोड़ा सा दुख भी हो सकता है कि जो वो पेश करना चाह रहा है कि मेरी इच्छाओं को कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, सभी लोग बस अपनी अपनी अभिलाषाएं और इच्छाएं मेरे ऊपर लादना चाहते हैं और मेरे थ्रू उसे पूरा करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण कविता में किस प्रकार एक बालक की मनोदशा को यहाँ कवि विक्रम जी ने व्यक्त किया है और बखूबी बड़ी सुंदरता से एक रिदमिक वे में एक लय में उस बालक की पूरी दशाओं को व्यक्त किया है। और ये भी बड़ी सुंदरता से दिखाया है कि कैसे हमारे परिवार के अलग अलग रिश्तेदार नातेदार बालक के प्रति अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की ये जो कविता है उलझन यहाँ समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग घर पे इसे खूब अच्छे से बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि इस कविता में वाकई सच में ही आपकी मनोदशा को ही इस कवि जी ने विक्रम जी ने व्यक्त कर दिया है, पन्नों पे लिख दिया है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा जो ये टॉपिक है उलझन ये समाप्त होता है। पर इसके बाद में एक छोटा सा प्रकरण और आपको बताना चाहूंगा। हमारी इस पुस्तक में एक छोटी सी कहानी दी गई है जो कि आपके मनोरंजन के लिए है मात्र और आपको एक छोटा सा सीख देने के लिए। उस कहानी का शीर्षक है तीन सुख। ये तीन सुख नामक कहानी है। बच्चों इस कहानी को मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तो अभी नहीं बता सकता लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक बार की बात है, तीन मित्र होते हैं, तीन मित्र वो कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तो हमारे तीन मित्र हैं ये एक रास्ते से गुजर रहे हैं, चले जा रहे हैं। जाते जाते इन तीनों को आए इन्हें रास्ते में सड़क पे जाते हुए जमीन पे पड़ा हुआ एक सिक्का नजर आता है और ये जो सिक्का है ये जो कॉइन है इस पे तीनों की नजर एक साथ पड़ती है। तीनों एक साथ उस सिक्के के अपनी नजर डालते हैं और देखते ही कहते हैं अरे ये क्या, ये तो कोई सिक्का प्रतीत हो रहा है। और वो लोग उस सिक्के को जमीन से उठा लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इस सिक्के का हम क्या उपयोग करें। तो उस सिक्के को देखते ही तीनों के मन में अपने अपने विचार आते हैं। एक मित्र कहता है कि क्यों ना इस सिक्के से हम कुछ खाने की चीज खरीद लें।
इससे हमें बहुत आनंद आएगा। तो तीनों मित्रों ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा ही अति उत्तम विचार है। लेकिन तभी इन तीनों में से एक कहता है मुझे कोई मीठी चीज खाना है। तो दूसरा मित्र कहता है मुझे तो कई सारी मीठी चीज खाने का मन कर रहा है। तभी तीसरा लग रही पहले की इच्छा भी पूरी हो जाए जो कि मीठा खाना चाहता है, दूसरे की इच्छा भी पूरी हो जाए जो कि कई सारे मीठे खाना चाहता है, और तीसरे की इच्छा भी पूरी हो जाए जो कि अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इस प्रकार तीनों बड़े ही उलझन में पड़ जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। उसी दौरान रास्ते में उन्हीं के बच्चों के बगल से, उन मित्रों के बगल से एक बुजुर्ग व्यक्ति चला जा रहा होता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति इन तीनों की बातों को सुनता है और सुनने के बाद उनके पास आता है मित्रों के, और मित्रों से कहता है कि क्यों भाई आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है, आपकी क्या समस्या है। तो तीनों मित्र अपनी समस्या उस बुजुर्ग को बताते हैं, उस बूढ़े व्यक्ति को बताते हैं कि कैसे उन्हें एक कॉइन मिला और इस कॉइन से वो कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं जिससे इन तीनों मित्रों की इच्छाएं पूरी हो जाए। तो बुजुर्ग कहता है बस इतनी सी बात, ये तो बड़ा आसान उपाय है, मैं आपको बताता हूं। और इस तरह बुजुर्ग कहता है उन तीनों मित्रों से कि बच्चों तुम इस कॉइन का अंगूर खरीद लो। उन्होंने कहा अंगूर का एक गुच्छा इस कॉइन से खरीद लो, इससे तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तीनों मित्रों ने उस बूढ़े उस बुजुर्ग की बात मान ली और वो लोग बाजार गए और उन्होंने उस कॉइन से एक अंगूर का गुच्छा खरीद लिया। अंगूर के गुच्छे को खरीदने के बाद उन्होंने उस अंगूर को आपस में बांट लिया। एक ने अंगूर लिया कुछ अपने हिस्से में और खाते ही बोला वाह कितने मीठे अंगूर हैं, मजा आ गया। दूसरे मित्र ने भी अपने हिस्से का अंगूर खाया और उसे भी लगा वाह मुझे तो कई सारे मीठी वस्तुएं एक साथ मिल गईं, कई सारी मीठी चीजें एक साथ मिल गईं, इसलिए मुझे भी मजा आ गया। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, एक मित्र की इच्छा थी मीठा खाने की तो उसे मीठा भी मिल गया अंगूर के रूप में, दूसरा मित्र चाहता था वही मीठा अधिक संख्या में उसे प्राप्त हो तो उसे अंगूर छोटे छोटे कई सारे थे तो उसे वही मीठा अधिक संख्या में भी मिल गया, और तीसरा मित्र को प्यास लग रही थी तो उस अंगूर को खाने से उसकी प्यास बुझ गई। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे उस अकलमंद बूढ़े ने जो बातें बताई कि अंगूर खरीद लो, तो उस अंगूर को खरीदने से तीनों मित्रों की जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई और उस एक कॉइन में ही एक ही सिक्के से उनको भरपूर आनंद की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह हमने देखा बच्चों कि कैसे थोड़ी सी अगर हम अपनी अकल और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों आज का ये जो ऑनलाइन सेशन है यही समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे चल के नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मैं नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और बाय बाय।